साइंस एकेडमी बाजार बेटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। पहले वीडियो में फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से पार्ट वन के रूप में हम 6 क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संधारित्र का मुख्य व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संधारित्र का मुख्य कार्य है आवेश को स्टोर करना, अतः संधारित्र का मुख्य व्यवहारिक उपयोग है परिपथ में आवेश को स्टोर करना। इसका मुख्य व्यवहारिक उद्देश्य है एसी परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा को बनाए रखना। दूसरा क्वेश्चन है, आवेशित चालक की सतह समविभवी होती है क्यों? इसका आंसर है, जब चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो ये आवेश चालक के उपलब्ध क्षेत्रफल में फैल जाता है, अर्थात आवेश चालक के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश के समान रूप से वितरित होने के कारण ही आवेशित चालक का सतह समविभवी होता है। तीसरा क्वेश्चन है, परावैद्युत भंग से क्या समझते हैं, अर्थात डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक मैटर की एक परावैद्युत सामर्थ्य होता है, अर्थात प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ एक निश्चित सीमा तक विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकती है। जब विद्युत क्षेत्र एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो अचालक परावैद्युत पदार्थ सुचालक हो जाता है। इस घटना को ही परावैद्युत भंग यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। जैसे नम हवा का परावैद्युत भंग 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, यानी इसका भंग परावैद्युत भंगन जो है भंजन जो है 10⁶ हो जाता है। चौथा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, एक गोलीय चालक को आवेशित करने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है, किसी भी चालक की धारिता एक स्थिरांक होता है, अतः एक गोलीय चालक को आवेशित करने पर उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जब गोलीय चालक को आवेशित करने पर आवेश बढ़ने के साथ साथ उसका विभव भी बढ़ते जाता है, लेकिन इन दोनों का अनुपात अर्थात धारिता कभी नहीं बदलता है। अर्थात गोलीय चालक की धारिता निश्चित होती है, इसकी चालक तभी बढ़ाया जा सकता है जब इसकी त्रिज्या बढ़े। पांचवा क्वेश्चन है, क्या 1 मीटर त्रिज्या के गोले को 2 कूलाम आवेश दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है नहीं। इसका क्या कारण है, अगले वीडियो में हम लोग इसका कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। छठा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, साधारण रबर विद्युत का कुचालक होता है जबकि हवाई जहाज के टायर में लगे रबर विशेष हल्के विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? तो इसका आंसर है, साधारण रबर विद्युत का कुचालक होता है जबकि हवाई जहाज के टायर में लगे रबर विशेष हल्के विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि जब हवाई जहाज रनवे पर तेजी से दौड़ता है तो घर्षण से टायर उच्च आवेशित हो जाते हैं जिससे उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जिससे रबर का परावैद्युत भंग हो सकता है। इसलिए हवाई जहाज के टायर हल्के विद्युत के सुचालक बनाए जाते हैं ताकि इसका ब्रेकडाउन न हो सके।